ओम शांति। श्रीमत् और परम आत्मा, इसका पाठ हम एक करेंगे आज, क्योंकि यही तो हम समझ चुके हैं कि परम आत्मा ही श्रीमत् दे सकता है और संसार का कोई भी जो जन्म मरण के चक्र में आ गया है वो कभी परमात्मा का संपूर्ण परिचय या सत्य ज्ञान नहीं दे सकता। परमात्मा स्वयं आकर अपना भी परिचय देते और सत्य ज्ञान भी देते। और परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के रथ में सवार हुआ, उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा के इस रथ में सवार होकर, शरीर रूपी रथ में सवार होकर सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध सिखाते हैं, जबकि यहां कृष्ण का दिखाया है कि वो हिंसक युद्ध कराता है। 18 अक्षौणी पुरुषों का वध हो जाना, 18 अक्षौणी विधवाओं और छोटे छोटे बच्चों का समाज कैसा होगा, वर्ण संकर संतानी उत्पन्न होंगी, इससे फ्री होने के लिए, इस झमेले से बचने के लिए अर्जुन ने रथ युद्ध करने से इनकार कर दिया। फिर हिंसक युद्ध कराने वाला श्री कृष्ण हुआ ना। परमात्मा कभी हिंसक युद्ध नहीं करा सकते। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें वो सत्य ज्ञान देते हैं जिससे हम अपनी कमियों, कमजोरियों, विकारों और बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। शिव बाबा निराकार है, वे ब्रह्मा तन में आकर ही श्रीमत देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी उनकी मत पर चलते हैं और उनकी मत पर चलकर संपूर्ण बने। शिव बाबा सर्व आत्माओं का बाप है। शिव बाबा क्या है? सर्व आत्माओं का बाप है। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद कर ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है, शांति धाम को याद नहीं करना, शांति धाम को याद नहीं करना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई पाप कर्म नहीं होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से ज्ञान और योग बल से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप है सर्वशक्तिवान,
उसके उनसे बल मिलता है। विनाश के आसार भी देखते हो, ये वही महाभारत लड़ाई है, ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा, भगवान भी होगा। घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, वे कल्प कल्प वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। तुम जानते हो बाबा हमको श्री मत देते हैं, दे रहे हैं, श्री मत है ही भगवान की। फिर कलाएं काम होती जाती हैं, जैसे चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा की कलाएं काम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बन जाती है, सारा गुम नहीं होता। अब तुम्हारी ये बेहद की बात है, तुम्हारी ये क्या है, बेहद की बात है। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर जी हाजिर करते रहो बच्चों का, जी हजूर बच्चों का जी हजूर करना, और बाप का बच्चों के आगे जी हाजिर होना। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है, बाप ने तो स्वतंत्र पंछी उड़ता पंछी बनाया, बाप ने क्या बना दिया, स्वतंत्र पंछी उड़ता पंछी बनाया। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं सदैव समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। उनके साथ कितना रिगार्ड से रॉयल्टी से चलना चाहिए। अब मिलती है तुमको ईश्वरीय मत, आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं, श्री मत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है, ऊंचते ऊंच भगवान ही है। बाप है मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर, वे डायरेक्शन भी देते हैं, बाबा डायरेक्शन भी देते हैं, श्री मत देते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी राय देते हैं, सिवाय याद
कि कर्म इंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है, समझ नहीं सकते तो इसके लिए श्रीमत लेनी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो नहीं सकता। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने, पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। पाप भी बाप पुरुषार्थ भी कराते हैं और बेफिक्र भी रहते हैं, समझते हैं ड्रामा की नूंद ऐसी है। सब ड्रामा में इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे फिर भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ड्रामा में कोई एक्टर बिगर समय थोड़े ही स्टेज पर आ जाता है। जब उस एक्टर का स्टेज पर पार्ट होता है तभी वो आता है। सब ड्रामा में इकट्ठे थोड़े ही आ जाएंगे, आएंगे फिर भी नंबर वार। ड्रामा में कोई भी एक्टर बिगर समय थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे। कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी है, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा फल पाएगा। मुझे जानने की क्या दरकार है? जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे, बाप आकर ज्ञान का वर्षा देकर देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है। तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो और देवी गुण धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा गायन पूजन है। आप पे ही पुजारी तुम्हारे लिए है। बाप तो एवर प्योर है, हमेशा पूज्य है। बाप जानते हैं मैं गरीब निवास हूं, परंतु साथ साथ ये भी समझता हूं कि मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं। मैं हूं ही पतित पावन, बाप गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे वे सदा के लिए सौकार बन जाए। बाकी कपड़ा आदि देना तो ये तो कॉमन बात है, ये तो
कॉमन बात है। ओम शांति। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, है नहीं? और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।